हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो अगेन आज मैं एक वेट लॉस का वीडियो लेके आई हूं और आई थिंक आज का जो ये टॉपिक है ये बहुत ही यूनिक है, बिकॉज अगर आपने इसे ट्राई किया एक बार तो जस्ट लाइक इतने अच्छे से आपका वेट रिडक्शन होगा, स्पेशली बैली फैट पे इतना अच्छा वर्क करेगा ये, इतने अच्छे से ये काम करेगा कि पूरी चर्बी वहाँ से गल के हट जाएगी, पूरी पेट की चर्बी हट जाएगी, पूरा कट हो जाएगा वहाँ से चर्बी, पूरा काट के वो निकाल देगा। मतलब ऑसम रिजल्ट है, क्योंकि ऑलरेडी इसको मैंने बताया हुआ है और ऑसम से भी ऑसम वर्क कर रहा है लोगों ने। तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा कि और मतलब एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा इसको, बिकॉज बस मैं इतना कहना चाहती हूँ, ऑसम रिजल्ट है इसका। मैंने खुद भी ट्राई किया है इसको अपने पे, जब मेरा पेट बहुत ज़्यादा था आफ्टर प्रेगनेंसी के 1.5 साल बाद भी पेट बहुत ज़्यादा निकला हुआ था, तब मैंने इसे ट्राई किया था। बिकॉज उस समय मुझे बहुत ज़रूरत थी अपने पेट को अंदर करने की, अपनी चर्बी को वहाँ से कट करने की, तो मैंने इसे ट्राई किया था। और ये मुझे किसी ने सजेस्ट किया था, एक आयुर्वेदाचार्य ने, यानी एक आयुर्वेद के डॉक्टर ने, मैंने वहाँ पर दिखाया था उनको और उन्होंने मुझे ये ट्राई मतलब करने को बोला था। तो ये एक आयुर्वेदिक भी है जो तो काफ़ी अच्छा वर्क किया इसने, इसलिए मैं आप लोगों से ये आज वीडियो शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे इसी तरह के टॉपिक्स हैं कि जब मैं बहुत ज़्यादा वेट गेन किया था, या मेरे जो भी लोग हैं उन्होंने काफ़ी वेट गेन किया था, उस समय उनको क्या क्या प्रॉब्लम आई, कैसे उन्होंने डॉक्टर के थ्रू किया, कैसे किया डाइट के थ्रू, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। बट वीडियो में आगे जाने से पहले, जैसा कि मैं हम बता रही हूँ कि मैं इस समय एक हाइजीन से रिलेटेड एक मुहिम चला रही हूँ, तो आज का जो टॉपिक है टैम्पॉन का है, तो वो वीडियो में आगे है कि किस तरह से उसे यूज़ करना है, क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, वो सारी चीज़ें आगे वीडियो में हैं। तो मेरे उस वुमेन हाइजीन से, हैशटैग वुमेन हाइजीन से रिलेटेड वीडियो को बहुत ज़्यादा वायरल करिए, बिकॉज ये हर लेडीज़ का सवाल है, ये हर लेडीज़ के स्वस्थ रहने का सवाल है, ये भारत की हर महिला के लिए ज़रूरी है कि वो पूरी तरह से स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे और उसे इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हो। तो फटाफट से मेरे इस वीडियो को आप बहुत ज़्यादा वायरल करिएगा, जिससे कि वेट तो लॉस होगा ही लोगों का, सेकंड चीज़ लोग इसके बारे में भी अवेयर होंगे, यानी कि टैम्पॉन के भी बारे में अवेयर होंगे। तो फटाफट से वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। पहले मैं आपको हाइजीन प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी, बहुत ही ज़्यादा हाफ मिनट का, देन उसके बाद आपको बताऊंगी किस तरह से मैंने चर्बी को पूरी कट करके निकाल दिया था। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे जाने से पहले, चर्बी को पूरी तरह से काटने से पहले, जैसा कि आपको पता है मैं हैशटैग वुमेन हाइजीन से रिलेटेड इस समय प्रोडक्ट बना रही हूँ, तो उसका जो आज का प्रोडक्ट है वो है टैम्पॉन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमें इस तरह के एक पैकेट में मिलता है जो विद अप्लीकेटर होता है। सबसे खास बात एवरटीन के टैम्पॉन की यही है कि ये हमें अप्लीकेटर के साथ मिलता है। मार्केट में बहुत सारे टैम्पॉन्स ईजिली अवेलेबल हैं, लेकिन उनके साथ अप्लीकेटर नहीं होता है। मैं इसका रेट भी आपको बताना चाहूँगी, इसका जो रेट है वो है, इसका रेट जो है वो 359 रुपीज़ है। सबसे अफोर्डेबल है, आप चाहे मार्केट में जाके चेक कर, मार्केट में तो आपको मिलेगा ही नहीं, ऑनलाइन अगर आप चेक भी करोगे तो विद अप्लीकेटर आपको ऐसे नहीं मिलने वाला। बहुत सारे मैं यूज़ भी कर चुकी हूँ, जैसा कि मैंने बोला कि मैं लास्ट 2 मंथ से यूज़ कर रही हूँ। इवन मैं इसे जब लगाती हूँ तो मैं कभी कभी भूल भी जाती हूँ कि मुझे पीरियड हुआ है। आराम से आपका फर्स्ट डे है, कुछ भी है, बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा। आपको मैरिज अटेंड करनी है, घर की कोई शादी है, तो बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलने वाला है। और ये जो इसका वाइट पार्ट है, ये अप्लीकेटर है, मैंने आपको दिखाने के लिए रखा था। ये वजाइना में नहीं जाएगा, इसको आपको फेंक देना है, यानी कि ये यूज़लेस है। और ये हमारा जो है, मैंने आपको पहले भी दिखाया, ये हमारा टैम्पॉन है हम जो वजाइना के अंदर जाएगा, तो ये हमारी पूरा इस तरह से सेट होगा। बिल्कुल भी ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये मतलब वजाइना में खो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं खोएगा, क्योंकि जो पार्ट है हमारा ऊपर का, उसमें सिर्फ सीमन और ब्लड निकलने का ही, सीमन जाने का रास्ता है और ब्लड निकलने का रास्ता है। ये टैम्पॉन्स FDA अप्रूव्ड हैं, CE सर्टिफाइड हैं। मैं कोई भी ऐसा प्रोडक्ट आपको यूज़ करने को नहीं बोलती जो किसी तरह से भी सर्टिफाइड नहीं हो, गवर्नमेंट अप्रूव ना हो। मैं पूरी तरह से ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ
जो वाकई में काम करे और सच में अफोर्डेबल भी हो, काम भी करे और इजी भी हो। तो इसलिए मैं एवरटीन का टैम्पॉन यूज़ कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ तो अच्छी चीज़ यूज़ करूँ और आप लोगों के लिए इसीलिए मैं सजेस्ट भी अच्छी ही चीज़ कर रही हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ इसका एक छोटा सा डेमो। तो ये वर्क मैं बता रही हूँ एक कप में, जैसे इसमें धीरे धीरे पानी पड़ता है, ये देखिए, देख रहे हैं आप। इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाती हूँ कि जैसे जैसे इसमें पानी पड़ेगा ये फूलता जाएगा, ये इस तरह से फूल जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि ये कैसे होगा, क्या होगा, वर्क करेगा नहीं करेगा। तो डेमो इसलिए भी देना जरूरी होता है ताकि आपको लगे कि सच में काम करता है। और मैंने यूज किया है पर्सनली, तो इसीलिए मैं आपको भी बताती हूँ कि आप यूज करिए। और ये इसी तरह से फूल जाएगा, जब ये पूरा हो जाएगा आपको सेंसेशन सी होगी। और 5-6 आवर्स, मतलब आप एक अंदाजा लेके चलिए, 5 से 8, और रात में भी आप इसे लगा के सो सकते हो, बिल्कुल भी आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको है कि नहीं है। तो इस तरह से ये जो है आपका है। चलिए आगे मैं बताती हूँ कुछ। तो फ्रेंड्स, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक कांच की शीशी चाहिए और कांच में ही रखिएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्पेशली उन्होंने मुझे इस चीज़ को इंडिकेट किया था कि ये कांच में ही रखा जाता है। देन उसके बाद आप मुझे लेंगे, आप लेंगे त्रिपला का पाउडर। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जब मैं त्रिपला का चूर्ण लेती हूँ, मैं कौन सी कंपनी का लूँ। आप एनी कंपनी, डाबर, पतंजलि, किसी कंपनी का भी ले सकते हैं। तो आपको लेना है 4 टेबल स्पून त्रिपला चूर्ण। ये पूरा भर के आपको डालना है। तो ये 4 टेबल स्पून आपको त्रिफला चूर्ण लेना है। देन इसके बाद आपको लेना है 1 टेबल स्पून आपको लेना है ईसम घोल। आराम से मिल जाएगा, किसी भी मेडिकल स्टोर में जाइए, बोलिए ईसम घोल दे दीजिए, आप ले आइए। और ये आपको केवल 1 टेबल स्पून ही डालना है। 1 टेबल स्पून आप ये डालेंगे। देन उसके बाद 1/2 टेबल स्पून आपको हल्दी डालनी है। और यू नो कि हल्दी कितना ज़्यादा आपकी टमी के फैट को कट करेगी। 1/2 टेबल स्पून आपको ये डालना है। देन आपको डालना है जीरा पाउडर, घर में रोस्ट कर लीजिए, जैसे मैं भुना हुआ जीरा मंगवाती हूँ। तो ये आपको 2 टेबल स्पून डालना है। और अब बारी आती है हमारे सबसे खास इंग्रेडिएंट की, और वो है अदरक, यानी कि सौंठ का पाउडर। सौंठ का पाउडर भी आपको 1 टेबल स्पून, सॉरी मुझे लगा 1/2 टेबल स्पून, उसमें 1/2 टेबल स्पून लिखा है, नहीं, सौंठ का पाउडर भी आपको 1 टेबल स्पून डालना है। और इसको बहुत अच्छे से ढक्कन बंद करिए, मिक्स कर लीजिए। और अब बारी आती है इसे खाना है। इसको खाने के लिए आपको जितने बार भी, जैसे कि आप ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट के बाद गुनगुना पानी लेना है, 1/2 टेबल स्पून उसमें ये डालिए, घोल कर पी लीजिए। दोपहर के खाने के बाद फिर 1/2 टेबल स्पून लीजिए, गर्म गुनगुना पानी लीजिए, खाने के 15 मिनट बाद डाल के पी लीजिए। रात के खाने के बाद 1/2 टेबल स्पून लीजिए, डाल के पी लीजिए। तो इस तरह से उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था। और यकीन मानिए 5 से 6 दिन में आपको अपने पेट की ब्लोटिंग, चर्बी, वहाँ की सूजन, और मतलब बहुत तेज़ी से पेट टाइट होता दिखाई देगा, चर्बी जो है वो कट होती आपको दिखाई देगी। तो एक बार इस चूर्ण को जरूर ट्राई करिए, क्योंकि बहुत ही बड़े आयुर्वेदाचार्य ने मुझे सजेस्ट किया था। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, लेकिन क्वांटिटी जो मैंने बताई है वही रखिएगा, क्योंकि स्पेशली उन्होंने मुझे इस चीज़ को इंडिकेट किया था कि बेटा क्वांटिटी उतनी ही रखना जितनी कि मैंने लिखी है, अपनी होशियारी उसमें मत करना, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगी कि क्वांटिटी उतनी ही रखिएगा। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और रिव्यू, और मैं बोल रही हूँ कि इसका रिजल्ट तो आपको पक्का मिलेगा, तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। फ्रेंड्स, ये जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, ये मुझे एक आयुर्वेदाचार्य ने मुझे ये सजेस्ट किया था, और उन्होंने मुझे स्पेशली जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई है वो क्वांटिटी उन्होंने मुझे बाकायदा लिख के दी थी, और आज भी मेरे पास वो पेपर सिक्योरिटी के साथ रखा हुआ है।
तो उस पेपर के थ्रू ही विद मेजरमेंट मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया है कि कितनी कितनी क्वांटिटी में लेना है, ये कितने दिन लेना है वो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो फटाफट से मुझे मैसेज करिएगा, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, आईडी दी हुई है सुगम सनशाइन, और वो जो टैम्पॉन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो मुझसे पूछ सकते हैं, और लिंक जो है वीडियो के नीचे मैंने ऑलरेडी दे रखा है। वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया तो फटाफट से सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।